आप देख रहे हैं केवल सच। हिल्सा उपकारा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें हिल्सा उपकारा के कुछ कैदी आराम से बैठकर ताश खेल रहे हैं। इसके साथ ही धड़ल्ले से मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं। कैदियों के पास गांजे की पुड़िया भी है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। वीडियो में जेल में बंद एक शख्स यह बता रहा है कि हिल्सा जेल प्रशासन की मिलीभगत से किस प्रकार मोबाइल और ताश के पत्ती के साथ साथ गांजा की पुड़िया का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेल के अंदर वार्ड में बंद कैदी भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन सभी मामलों के पीछे कौन है, ये लोग इस तरह के प्रतिबंधित सामानों को जेल के अंदर प्रवेश दे रहे हैं। इधर SDO सुधीर कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर जेल में सघन छापेमारी की गई, लेकिन किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान हाथ नहीं लगी। कैदियों से भी पूछताछ हुई है। वायरल वीडियो में भी बंदी इस बात की जिक्र करते हुए जेल प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि सुनियोजित तरीके से किसी बंदी द्वारा इसे बनाया गया है। फिलहाल वायरल वीडियो की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई है। वीडियो में भी एक वर्ड आ रहा था कि भागलपुर भेजा जाता है, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया था। और ये जो कैदी ट्रांसफ़र हुए हैं 7 अक्टूबर के आसपास में, उससे पहले का ही होगा। और एक और चीज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वीडियो जानबूझ के बनाया गया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जेल प्रशासन को धमकी भी दिया था। पूर्व में यह सब शिकायतें प्राप्त हुई थी कि धमकी दिया जा रहा है, इसी आधार पर उनको यहाँ से हटाया भी गया है। तो शायद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को दबाव में लेने के दृष्टिकोण से वो वीडियो तैयार करके रखा गया था, जो बाद में वायरल किया गया है।